ओके, तो CCNA 2003 01 एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ की इस नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो लेट्स सी इस वाली वीडियो में भी हम ट्राई करेंगे टू अटेम्प्ट 25 मोर क्वेश्चन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? विच टू एक्शंस इन्फ्लुएंस द EIGRP रूट सेलेक्शन प्रोसेस? अच्छा, देखिए, हमने बात की थी कि जब हम राउटिंग पार्ट कर रहे थे CCNA का, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है हमारे पास जब डायनामिक राउटिंग की हम बात करते हैं, सो दैट इज़ OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। पर हमने बात की थी वहाँ पे भी, और अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिस्को जो है डजेंट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। वो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपको OSPF दिया है तो सिर्फ OSPF से ही क्वेश्चन पूछेगा। नो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिस्को हैज़ दिस राइट, सिस्को के पास ये राइट है कि जो मिलते जुलते सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनसे उठा के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, राइट। तो ये आपको देखना है कि एटलीस्ट, जैसे मैं अभी OSPF का बताऊँ तो OSPF हमने पढ़ लिया था, तो ये हमारी जिम्मेदारी है थोड़ा सा EIGRP के बारे में और पढ़ने की। तो मैं थोड़ा सा कंपेरेटिव आपको नैरेटिव दे रहा हूँ EIGRP के बारे में कि OSPF जो था आपका वो था हमारा लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, राइट। तो जो EIGRP है वो है हमारी हाइब्रिड प्रोटोकॉल। हाइब्रिड कैसे? ये डिस्टेंस वेक्टर के भी आपके फॉर्मूलाज कह लीजिए या फिर जो उसके कॉन्सेप्ट्स है वो यूज़ करता है, और आपके लिंक स्टेट के भी, जो दोनों के बेस्ट हैं वो ये यूज़ करता है। फिर इसका जो आपका एल्गोरिदम था OSPF का, दैट वाज योर डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम, राइट। पर जो EIGRP काम करता है, दैट वर्क ऑन ड्यूअल एल्गोरिदम, डिफ्यूज्ड अपडेट एल्गोरिदम पे। जो OSPF है आपका काम करता है एरिया अप्रोच पे, एरिया ज़ीरो, बैकबोन एरिया एंड अदर एरिया रहते थे, 32 बिट की आईडी थी, और EIGRP में एरिया का कोई कंसेप्ट नहीं है। OSPF में जो मल्टीकास्ट IP है, .5 एंड .6 होती थी, रिमेंबर, .5 जो DR एंड BDR यूज़ करते हैं, .6 जो DR अदर्स यूज़ करते हैं। EIGRP की जो आपकी मल्टीकास्ट IP है, दैट इज़ .10। OSPF काम करता है प्रोटोकॉल नंबर 89 पे, EIGRP काम करता है प्रोटोकॉल नंबर 88 पे। OSPF में जो आप लिखते हैं राउटर OSPF 10 या राउटर OSPF 3 या 50 व्हाटएवर, वो जो आपका 16 बिट का नंबर है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। EIGRP में उसको बोलते हैं आप AS नंबर। इसमें प्रोसेस आईडी, इसमें है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अच्छा, प्रोसेस आईडी, देखिए ये एक ट्रबल शूटिंग पार्ट है इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं कि प्रोसेस आईडी जो OSPF की है, दैट इज़ लोकल। इट मींस एक राउटर तक सीमित रहती है। जब नेबरशिप बनती है एक राउटर की अपने नेबर्स के साथ, तो ये आईडी एक्सचेंज नहीं की जाती। मींस नेबरशिप की कंडीशन जो हमने OSPF में पढ़ी थी कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दो जो राउटर हैं ताकि वो नेबर बन पाए, तो उनमें कहीं पर भी जिक्र नहीं था प्रोसेस आईडी का। हाँ, एरिया था वो सेम होना चाहिए एक लिंक पे, जो राउटर आईडी थी वो यूनिक होनी चाहिए, टाइमर की वैल्यू आपकी सेम रहनी चाहिए, इस तरह से। पर जब हम बात करेंगे EIGRP की नेबरशिप की कंडीशंस की ना, तो वहाँ पे हम जैसे लिखते हैं ना राउटर EIGRP 10, तो वो जो 10 है AS नंबर है, दैट मस्ट बी सेम। सारे के सारे राउटर पे आपका AS नंबर सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी नेबरशिप नहीं आएगी EIGRP के अंदर। मेक सेंस? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और जो बीच में कुछ बचेगा वो मैं क्वेश्चंस के दौरान ही, मैंने कई क्वेश्चन डाले हैं EIGRP के, ताकि आपको ये क्लियर रहे, ये कॉन्सेप्ट्स कुछ हद तक आपको पता रहे EIGRP के, और OSPF के तो खैर हम कर ही चुके हैं, राइट। तो अभी देखिए, पहला क्वेश्चन ही हमारा EIGRP है, तो इसमें क्या पूछ रहा है मेरे से? विच टू एक्शंस इन्फ्लुएंस द EIGRP रूट सेलेक्शन प्रोसेस? जब EIGRP अपने बेस्ट रूट सेलेक्ट करेगा, तो कौन से दो एक्शंस हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे? अच्छा, मतलब किससे इसको फ़र्क पड़ेगा? पहला पॉइंट क्या लिखा है? एडवर्टाइज डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय नो। अच्छा, मैं यहीं बता दूं आपको कि डिस्टेंस से नाम से मिलेगा फिजिबल डिस्टेंस आपको एंड फिजिबल सक्सेसर, कुछ ऐसा रहेगा आपका, ठीक है। तो लेट्स सी किस में रहेगा आपका एडवर्टाइज डिस्टेंस। ओके, एडवर्टाइज डिस्टेंस है, फिजिबल डिस्टेंस है, ओके। एडवर्टाइज डिस्टेंस अलग आया, फिर आपका क्या आया है? फिजिबल सक्सेसर एंड यस, ठीक है। तो चलिए दो बातें बता दूं EIGRP के बारे में, एक आता है सक्सेसर और एक आता है फिजिबल सक्सेसर। अच्छा, ये क्या है? जो OSPF है ना, उसमें बनते हैं बेस्ट पाथ, है ना,
और उसको कोई नाम नहीं दिया जाता। OSPF का बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ के नाम से ही जाना जाएगा, दैट्स इट। पर EIGRP के बेस्ट पाथ को किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो बेस्ट पाथ है उसको नाम दिया जाता है, स्पेशली EIGRP की टर्म है ये, एंड दैट इज़ सक्सेसर। अच्छा, ये रहेगा आपका राउटिंग टेबल में, क्योंकि बेस्ट पाथ सारे कहाँ पे जाते हैं, राउटिंग टेबल में। अच्छा, फिजिबल सक्सेसर किसको बोलेंगे, जो आपका सेकंड बेस्ट पाथ होगा। और आपको पता है जो बेस्ट पाथ को छोड़ के जितने बचे हुए रास्ते हैं वो सारे कौन सी टेबल में स्टोर होते हैं, आपके टोपोलॉजी टेबल में। अगर आपको याद हो OSPF में भी टोपोलॉजी टेबल बनती थी और उसको चेक करने की कमांड है आपकी शो IP OSPF डेटाबेस, राइट। तो EIGRP की भी इसी तरह के कमांड आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो आप कोई भी राउटर लीजिए और उस राउटर को जैसे ही एक बार बूट हो जाएगा हमारा, यस, तो यहाँ पे देखिए इनेबल शो IP EIGRP में क्वेश्चन मार्क करेंगे तो लिखा आ रहा है ना टोपोलॉजी, राइट। तो ये आपकी टोपोलॉजी टेबल चेक करने का। तो यस, कंसेप्ट वही है, बस कमांड अलग अलग है आपकी, OSPF में अलग है, EIGRP में अलग है। यस, तो जो सेकंड बेस्ट पाथ, थर्ड बेस्ट पाथ हैं वो सारे के सारे कहाँ पे स्टोर रहेंगे, आपके टोपोलॉजी टेबल में। और उस सेकंड बेस्ट पाथ को नाम दिया जाता है फिजिबल सक्सेसर, बेस्ट पाथ सक्सेसर एंड सेकंड बेस्ट पाथ फिजिबल सक्सेसर। तो जो बेस्ट पाथ का शॉर्टेस्ट जो आपकी कॉस्ट होती है ना, क्योंकि देखो OSPF भी किस पे काम करता है, जो मेट्रिक है उसकी कॉस्ट है, EIGRP की मेट्रिक भी क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। बस वो अलग बात है कि जो OSPF था वो कॉस्ट के लिए सिर्फ यूज़ करता था एक ही पैरामीटर को, विच वॉज बैंडविड्थ, लेकिन जो EIGRP है वो यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ को भी और लिंक के डिले को भी, राइट। तो इसी वजह से बोलते हैं कि EIGRP जो है बेहतर प्रोटोकॉल है OSPF से इन वन वे। एक तो ये रीज़न हुआ, और दूसरा क्या है कि EIGRP का जो टाइम है, कन्वर्जेंस टाइम है लिंक डाउन होने से अप होने तक का, वो फास्ट है आपका OSPF से, क्योंकि OSPF का हेलो टाइमर 10 और डेड इंटरवल 40 है, EIGRP का हेलो 5 है और जो डेड इंटरवल है 15 है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं टाइमर से भी EIGRP इज़ फास्टर देन योर OSPF। तो चलिए, काफ़ी पॉइंट हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट हमने EIGRP एक तरह से रिवाइज, ये मान लो कि उसका कंसेप्ट ही कर लिया, बस प्रैक्टिकल छोड़ के, है ना। तो ओके, अभी हमने डिस्कस किया था EIGRP की टर्म, और वो टर्म में ही आंसर है इस पहले क्वेश्चन का। तो जो आपका सक्सेसर होगा उसकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं फिजिबल डिस्टेंस, ठीक है। फिजिबल डिस्टेंस कॉस्ट होगी और उसका नाम हुआ आपका सक्सेसर। तो बी ऑप्शन देखेंगे अब, अगर आप राउटर कैलकुलेट द फिजिबल डिस्टेंस ऑफ ऑल द पाथ्स टू द डेस्टिनेशन रूट, राइट। तो एक तो ये रहेगा आपका, और एक आप देखेंगे अगर ये वाला बेस्ट बैकअप पाथ, जिसको क्या बोलते हैं आप, फिजिबल सक्सेसर। सो हम ज़्यादा और इतना डीप में जाएंगे नहीं, तो जितना बताने वाली चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। तो यस, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए है तो EIGRP के ऊपर थोड़ा पढ़ लीजिए आप, है ना, सिस्को का डॉक्यूमेंट या कोई और, राइट। राउटर LA एक वेबसाइट है, अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से एक्सेस किया नहीं है, बट यस, जब मैं पढ़ता था तो राउटर LA पे बहुत सारे अच्छे सिंप्लीफाइड, जैसे मैं ट्राई करता हूँ ना बनाने की, ऐसे ही वो बंदा है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो यस, वो लोग बहुत सिंपल नोट्स बनाते हैं। राउटर LA इज़ अ वेबसाइट, आप ट्राई कर सकते हैं। EIGRP राउटर LA ऐसे लिखेंगे, RoutterLAY है शायद, है ना। तो यस, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं EIGRP के बारे में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज HSRP प्रोवाइड फर्स्ट होप रिडंडेंसी। अच्छा, जो आपको एक गेटवे मिलता है, HSRP क्या करता था, आपके मल्टीपल राउटर यूज करता था मल्टीपल ISP कनेक्शन के लिए, उनको एग्रीगेट करता था सिंगल नेटवर्क में, इस तरह से अलग अलग यूजर्स के लिए। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है कि वो रिडंडेंसी कैसे देगा, रिडंडेंसी कैसे थी, एक जो राउटर था एक्टिव का काम करेगा, जो बाकी राउटर्स थे वो आपके स्टैंड बाय का काम करेंगे। जब ये एक्टिव राउटर में कोई इशू आएगा तो लोड किस पे जाएगा, सारा का सारा आपके बैकअप वाले राउटर पे, या फिर जो बोलते हैं रिडंडेंट राउटर पे। तो ये काम कैसे करता है, ये बीच में एक वर्चुअल राउटर क्रिएट कर लेता है जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं एक IP तब। तो यस, अगर आप देखेंगे लोड बैलेंसेज लेयर टू ट्रैफिक, लेयर टू का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, यूजेज ए शेयर्ड वर्चुअल मैक एंड IP एड्रेस टू ए ग्रुप ऑफ राउटर, यही मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, जब एक वर्चुअल राउटर की हम बात करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक वर्चुअल IP प्लस मैक एड्रेस, वर्चुअल मैक यूज करता है, और ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जो कनेक्शन आ रहा है ना, इस वर्चुअल राउटर से आ रहा है यहाँ तक। अच्छा, ये आ इधर से रहा था फिजिकली, बट आपको यहाँ से लगेगा,
क्यों वर्चुअल है ये, मान लो अगर ये फॉल्टी होता है तो ट्रैफिक इधर शिफ्ट होती है, पर आपको थोड़ा ना पता चलता है, आप तो बस इंटरनेट नेटवर्क यूज करते रहेंगे उसको, वो बैकअप का प्रोसेस है, बैकएंड का प्रोसेस है, वो चलता रहेगा स्मूथली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यस नेटवर्क डाउन हुआ भी था, राइट? तो वो उसी वजह से है। सो यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एक शेयर्ड मैक और आईपी यूज़ करता है ये एज ए वर्चुअल राउटर। तो बाकी मुझे देखने का कोई लॉजिक नहीं लगता। इट फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट टू द सेम डेस्टिनेशन, नो। लोड बैलेंसेज ट्रैफिक बाय असाइनिंग द सेम मेट्रिक वैल्यू, नो नो। लोड बैलेंस HSRP VRRP लोड बैलेंस करते ही नहीं है, लोड बैलेंस करेगा सिर्फ GLBP आपका, राइट? सो यस, इट इज़ अबाउट HSRP, और HSRP से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लास्ट वीडियो में भी अगर आप देखेंगे मैंने डिस्कस किया था, दो तीन क्वेश्चन थे हमारे HSRP के ऊपर, एंड इसमें भी एक क्वेश्चन हमारा अभी आ चुका है, राइट? सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। R1 हैज़ लर्न रूट दिस वन वाया ISIS, OSPF, RIP एंड इंटरनल EIGRP, अंडर नॉर्मल कंडीशंस किस राउटिंग प्रोटोकॉल का जो रूट है इंस्टॉल किया जाएगा आपकी टेबल में। अच्छा, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ISIS ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, राइट? टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो OSPF की जैसी ही होती है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ISIS। इसमें राउटर्स को इंटरमीडिएट सिस्टम बोला जाता है। तो यस, एक अलग से ही प्रोटोकॉल है आपकी, और लिंक स्टेट ही है एक तरह से, OSPF की तरह ही काम करती है, बट काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एंड यस, जो आपके प्रोवाइडर्स हैं, प्रोवाइडर जो ISP हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे या तो OSPF चलती है या ISIS चलती है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है इन सारे जो आपकी EIGRP है, RIP है, सबसे कोई एक, जैसे ये मान लो ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ यहाँ ये चार रूट हैं, एक EIGRP से उठा लिया, एक OSPF से, एक RIP से और एक ISIS से। कह रहा कि राउटिंग टेबल में कौन सा रूट आएगा, किस प्रोटोकॉल का, समझ पा रहे हैं? अब आपको पता है, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं यहाँ पे सबसे पहले, कि जब भी आपके बेस्ट रूट की बात आएगी सिलेक्शन की, अगर आपके पास सिंगल प्रोटोकॉल है, देखो मैं बोलता हूँ कि ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन और एक ये पाथ है आपके पास, एक ये पाथ और एक ये पाथ, तीन रास्ते हैं आपके पास, OSPF के ही तीनों रास्ते हैं। अब राउटिंग टेबल में तो आपको पता है बेस्ट पाथ जाएगा सिर्फ, तो कौन सा पाथ रहेगा जिसकी कॉस्ट रहेगी मिनिमम, सबसे कम कॉस्ट वाला, मान लो इसकी कॉस्ट 10, इसकी 15 और इसकी 8, तो ये जो पाथ है आपका जाएगा राउटिंग टेबल में। तो ये तो कब है, जब सिंगल प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अब एक और चीज़ है, आपके पास एक ही प्रोटोकॉल है, एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, पर आपके पास रूट मल्टीपल हैं, कॉस्ट सेम है, रूट मल्टीपल कैसे हैं? मान लो एक आपके पास रास्ता है, ये VLSM की बात हो रही है यहाँ पे, 10.0/29 से भी आप जा सकते हैं, इस रूट से भी 10.0/27 से भी जा सकते हैं, एंड 10.0/19 से भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यार कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट है, तो यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट आता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का। जो भी आपको ये वैल्यू ज़्यादा दिखेगी तो आपको उसी रूट पे क्लिक करना, ये वाला आपके लिए बेस्ट रूट होगा, ठीक है? तो ये तो कब था, जब हम सिंगल प्रोटोकॉल और उस सब की बात कर रहे थे। अभी ये बात करता है कि भाई आपका प्रोटोकॉल एक से ज़्यादा यूज़ हो रही है नेटवर्क में, उनमें से अब बेस्ट पाथ किसका चुनेगा। तो आपको पता होगा हमने डिस्कस किया था, जो एक 47 मिनट की हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी राउटिंग के ऊपर, पूरे बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे डिस्कस किए थे हमने, तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि इस तरह के केसेस में जब आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं एक सोर्स से एक पर्टिकुलर सिंगल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, बहुत सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, उनमें से एक सिंगल, क्योंकि देखो बेस्ट रूट तो एक ही प्रोटोकॉल का चुनेगा ना वो, तो कौन सी प्रोटोकॉल होगी वो आपको देखना है उसकी AD वैल्यू के बेस पे। अब देखो जो आपकी EIGRP है उसकी AD वैल्यू कितनी है, 90, OSPF की 110, RIP की कितनी है आपकी 120, और कौन सा था, ISIS की कितनी है 115। अब AD वैल्यू जिसकी मिनिमम होगी उसी का रूट आपकी राउटिंग टेबल में जाएगा, तो कौन सी है जो आपकी, दैट इज EIGRP, तो आंसर क्या रहेगा आपका, इंटरनल EIGRP। इंटरनल क्यों लिखा है, क्योंकि एक एक्सटर्नल EIGRP भी होता है, जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी जो AD वैल्यू आई थिंक होती है 170, तो वो सबसे बेकार है, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन इंटरनल EIGRP, क्योंकि ये किसका है आपका, इंटरनल EIGRP का। ओके, देन उसके बाद क्या है क्वेश्चन हमारा, कि जो आपका VRRP पे मैंने बात की थी कि एक वर्चुअल IP जो आप प्रोवाइड करते हैं और वर्चुअल मैक जो वो खुद पिक करता है, एक स्टैंडर्ड मैक उसके लिए रिजर्व्ड है, तो वो मैक पूछ रहा है आपसे कौन सा है। तो ये आपको जस्ट याद रखना है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक कुछ फंडा नहीं है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस, ए आंसर जो रहेगा,
ठीक है। सो ट्रिपल 4x0.5e00.010a दिस इज़ द VRRP। और कौन सी प्रोटोकॉल है ये? VRRP, ये भी याद रखना। HSRP में अलग रहेगा शायद, और आपका VRRP में अलग है, GLBP में अलग है। मेक सेंस? राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, तो यस, नेक्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन। एक नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगर कर रहा है OSPF वर्जन टू कौन सा होगा, जो IPv4 के लिए। सो ड्रैग एंड ड्रॉप द पैरामीटर, ठीक है, लेफ्ट और राइट में वो पैरामीटर आपको मैच करने हैं, जो जैसे देखो ये आपका है router 1, ये आपका है router 2, इन दोनों के बीच में आप नेबरशिप कब बन पाएंगे। OSPF यहाँ पे भी रन कर दिया आपने, OSPF यहाँ भी रन कर दिया, तो जैसा कि शायद हमने 26-27 वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, OSPF में नेबरशिप के लिए ऐसे रिप की तरह डायरेक्ट नेबरशिप नहीं होती, कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यस, मस्ट मैच, टाइमर की वैल्यू मैच करनी करनी चाहिए। मीन्स इस पे अगर हेलो टाइमर 10 है और इस पे आपने 5 कर दिया तो नेबरशिप नहीं बनेगी, ठीक है। तो इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, या फिर इधर 10 है तो उधर भी 10 होना चाहिए। राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए। इस पे अगर राउटर आईडी आपकी 1.1 है तो ये राउटर आईडी जो एक राउटर पे OSPF में है वो किसी और राउटर पे यूज नहीं हो सकता OSPF नेटवर्क के अंदर, राइट। तो ये क्या होती है आपकी? यूनिक, ओके। नेट मास्क, यस, ये आपका सेम होना चाहिए। मान लो अगर इधर आपने लिखा है 10.0 और सबनेट मास्क लिख दिया बी क्लास वाला ये, तो इधर भी आपको सेम लिखना है ताकि वो नेटवर्क आईडी क्या है, सेम रहे, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम। और नेटवर्क आईडी सेम कब रहेगी? जब नेट मास्क, सबनेट मास्क सेम रहेगा, तो यस, इट शुड मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईपी एड्रेस, नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए पर आईपी एड्रेस नहीं। 10.1, 10.2, ठीक है, ये आईपी तो अलग है लेकिन नेटवर्क आईडी क्या है आपकी? सेम। सो यस, आईपी एड्रेस मस्ट बी योर यूनिक। यूनिक का मतलब समझते हैं, मतलब यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। एरिया आईडी, अगर ये लिंक आपने एरिया 0 में डाला है इस राउटर पे, तो ये भी किस में होना चाहिए? 0 में। सो यस, एरिया आईडी मस्ट मैच। प्रोसेस आईडी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा ना मस्ट बी यूनिक, तो मस्ट नहीं, शुड बी यूनिक होना चाहिए एक तरह से, क्योंकि यस सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है हमें, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर हैं OSPF में जिनका ख्याल रखा जाता है जब नेबरशिप की कंडीशन की बात आती है। और भी पैरामीटर हैं जिनमें से एक है आपका ऑथेंटिकेशन। अगर आपने OSPF में और राउटिंग प्रोटोकॉल पे ऑथेंटिकेशन लगा रखी है तो दैट शुड मैच। एक साइड जो की वैल्यू है वो दूसरी साइड भी सेम होनी चाहिए, और MTU का जो साइज़ है वो अगर आपने एक साइड चेंज किया लिंक पे तो दूसरे साइड भी उसको चेंज आपको करना पड़ेगा। ओके देन, सो रेफर टू द एग्जिबिट। ओके, ये आउटपुट देखिए, कहता कि किस मैट्रिक को इस रूट ने यूज किया होगा। अच्छा, रूट कौन सा था? 172.19.0.201। पहले तो यहाँ पे इसके आसपास का रूट देखिए आप अपनी आउटपुट में, जीरो वाला लग रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे जीरो है, 200 नहीं है कहीं पे। इसके आसपास कोई नेटवर्क आईडी मिलेगी, सबनेटेड मिलेगा, ये लिखा भी होगा यहाँ पे शायद हमने, हाँ ये लिखा है, वेरिएबली सबनेटेड 3 सबनेट्स, 3 तो नहीं होगा, 4 सबनेट, इसमें हमने आउटपुट 3 के लिए लिखा है सिर्फ, है ना, ठीक है। तो 0, 128, 192, तो हमारे क्लोजेस्ट अपने को कौन सा लग रहा है? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है, 25 और 29। अच्छा, 29 का मतलब आपको बिट होस्ट की कितनी मिली? 3, तो 2 की पावर 3 8, तो इसका मतलब आपकी रेंज हुई 0 से 7। तो ये जो नेटवर्क आईडी है, यहाँ पे क्या आती है हमेशा राउटिंग टेबल में, आईपी नहीं आती, नेटवर्क आईडी आती है। तो ये जो 172.19.0.192 से कहाँ तक जाएगा ये रूट? 199 तक। तो देखिए, हमारा तो आईपी आया ही नहीं ना इस रूट में, तो 201 तो अलग है। अगर हम ये ट्राई करेंगे तो ये हो नहीं सकता। 0.128 25 है, ओके, बची बिट 7, 128, रेंज 0 से 127, ओके। तो 128 में 127 जोड़ेंगे तो ये मुझे लग रहा है परफेक्ट। सो 172.19.0.128 टू, ये कहाँ जाएगा? 255 तक। और आप देखेंगे कि 128 से 255 के बीच में ही मेरा 201 आ रहा है। सो यस, इसका ही होना चाहिए हमारे पास। अब पूछ क्या रखा है? मैट्रिक। तो ये जो दो वैल्यू लिखी हैं, पहला होता है आपका AD वैल्यू और दूसरी होती है आपकी मैट्रिक। तो यस, अब आपको पता रहना चाहिए मैट्रिक कौन सी यूज़ करी होगी इसने, 38347। सो सी इसका आंसर होना चाहिए आपका, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन किस पे है एक्चुअली, हाउ टू रीड राउटिंग टेबल, हाउ टू एनालाइज राउटिंग टेबल,
और इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई भी है अगर आपने देखी हो तो। OSPF से पहले जो हमने फंडामेंटल्स ऑफ राउटिंग के ऊपर शायद पाँच चार कुछ वीडियोज़ बनाई थी, उनमें ज़रूर मैंने इसका जिक्र किया होगा, राइट। तो आपको अच्छे से आना चाहिए किसी राउटिंग टेबल को कैसे एनालाइज करना है। ओके, सो ए यूज़र कन्फिगर्ड OSPF इन ए सिंगल एरिया बिटवीन टू राउटर, दो राउटर के बीच में सिंगल एरिया OSPF। अच्छा, लिंक का भी हमें पता नहीं कौन सा है, सीरियल इंटरफेस कनेक्टिंग R1 एंड R2। ओके, तो सीरियल इंटरफेस है यहाँ पे, और इनकैप्सुलेशन PPP। ओके, इसका कोई यूज़ नहीं हमारे लिए। विच OSPF नेटवर्क टाइप इज सीन ऑन दिस इंटरफेस। अच्छा, जब शो IP OSPF इंटरफेस आप चलाएंगे कमांड, इससे आपको क्या पता चलता है, इस कमांड से OSPF के इंटरफेस की डिटेल पता चलती है। कैसी डिटेल, जैसे अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा ये नेटवर्क टाइप कौन सा है। हमने तीन चार तरह के नेटवर्क टाइप देखे थे, एक आपका पॉइंट टू पॉइंट था, एक आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट था, ब्रॉडकास्ट नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। सो यस, कई सारे तरह के नेटवर्क्स थे। हमने डिस्कस किया था सीरियल लिंक पे हमेशा आपका कैसा जो नेटवर्क टाइप है वो कैसा मिलेगा आपको। सो दैट शुड बी ऑलवेज पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इसमें DR और BDR कभी बनते ही नहीं है। और DR BDR कब बनते हैं, जब शेयर्ड वाले नेटवर्क होते हैं, ईथरनेट वाले। तो हमेशा आपका सीरियल लिंक पे नेटवर्क टाइप कैसा रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट। ओके देन, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IPv6 एड्रेस ब्लॉक फॉरवर्ड पैकेट टू ए मल्टीकास्ट एड्रेस। तो सिंपल हमसे पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन घुमा फिरा के, कि IPv6 में मल्टीकास्ट की IP कौन सी होती है, समझ पा रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं एक बार। टू मीन्स ये आपका क्या है, ग्लोबल यूनिकास्ट है ये, तो जो टू या थ्री से स्टार्ट होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। FC FD ये होते हैं आपके साइट लोकल या यूनिक लोकल, जो एज ए प्राइवेट IP काम करते हैं। सो नो, ये भी नहीं हो सकता। FE80 नो, क्योंकि ये लिंक लोकल है आपका, अपीपा की तरह है ये। तो बचा कौन सा, ये FF वाला हमारा क्या होता है, मल्टीकास्ट IP। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, द OSPF हेलो प्रोटोकॉल परफॉर्म्स विच ऑफ द टू फॉलोइंग टास्क। अच्छा, जो आपकी OSPF है कौन से दो काम करती हैं, ये जो दिए हुए हैं हमारे पास पांच या छः, ठीक है। नेगोशिएट्स करेक्टनेस पैरामीटर बिटवीन नेबरिंग इंटरफेसेस। ओके, करेक्टनेस पैरामीटर आई डोंट नो, देखते हैं। इट ब्रॉडकास्ट हेलो पैकेट्स थ्रू आउट द इंटरनेटवर्क टू डिस्कवर ऑल राउटर्स दैट आर रनिंग OSPF। ब्रॉडकास्ट, तो घंटी बजी, इट नेवर डज ब्रॉडकास्ट, हमेशा OSPF क्या करता है, मल्टीकास्ट, नहीं हो सकता। प्रोवाइड्स डायनामिक नेबर डिस्कवरी, यस, ये तो आपका हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल करती है जो डायनामिक है। सो यस, OSPF भी ऐसा करेगा। इट डिटेक्ट्स अनरीचेबल नेबर्स इन 90 सेकेंड, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इट यूजेस टाइमर्स टू इलेक्ट द राउटर विद फास्टेस्ट लिंक एज द नाना, उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता, जब भी आप चुनते हो DR या BDR, है ना, वो स्पीड के बेस पे नहीं चुना जाता, IP और प्रायोरिटी वैल्यू के बेस पे चुनता है। इट मेंटेन्स नेबर रिलेशनशिप। सो यस, ये दो पैरामीटर हैं, दो काम हैं जो OSPF के जो हेलो टाइमर्स हैं, हेलो जो आपके क्या बोलते हैं, हेलो पैकेट्स हैं, वो करते हैं। एक तो नेबरशिप के लिए क्या करेगा आपका, डायनामिक डिस्कवरी, और जब एक बार नेबर बन जाएंगे वो पैरामीटर, एक बार जब जैसे आपका राउटर ID यूनिक होनी चाहिए, आपका एरिया ID सेम होनी चाहिए, आपका नेटवर्क ID, ये सारे अगर वो फुलफिल करता है, एक बार नेबर बन गया, तो उसके अंदर जो नेबरशिप की कंडीशन है उनको मेंटेन करके रखेगा। तो ये दो काम हैं जो आपका OSPF के हेलो पैकेट, हेलो पैकेट्स का काम ही यही होता है, पहली बार जब तक नेटवर्क कन्वर्जेंट नहीं होता नेबर डिस्कवरी करवाना, और जब नेबर बन जाए तो उनको मेंटेन करके रखना, मीन्स अगर कोई इश्यू आता है तो आपको बता देगा वो राउटर को। वट आर टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग VTP इन ए स्विचिंग एनवायरमेंट। VTP क्या था, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, और हम ऐसे एनवायरमेंट में यूज़ करते थे जहाँ पे हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क है, लाइक जहाँ पे हमारे पास बहुत बहुत सारे स्विचेज हैं और हम मैनुअल VLAN का जो डेटाबेस है वो सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते, मीन्स हम मैनुअल नहीं चाहते कि सारे के सारे स्विचेज पे जाके मुझे VLANs बनानी पड़े। तो एक स्विच का जो हायर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर वाला स्विच था, उसकी जो VLAN का डेटाबेस है आपका कॉपी हो जाता है बाकी सारे के सारे स्विचेज में। तो ठीक है, क्या बेनिफिट है देखते हैं एक बार। इट अलाउज स्विचेज टू रीड फ्रेम टैग्स, नहीं ये नहीं रीड करवाता, VTP का कोई गेम ही नहीं है। इट अलाउज पोर्ट्स टू बी असाइन टू VLANs ऑटोमेटिकली, नो, पोर्ट तो आपको खुद से स्टैटिकली ही करने पड़ते हैं।
इट मेंटेन्स वीलैन कंसिस्टेंसी अक्रॉस ए स्विच्ड नेटवर्क. सो यस, ये वाली बात है, क्योंकि स्विच नेटवर्क में मान लो आपको 10, 20, 30 थी, ये वीलैन हर जगह हर एक स्विच पे चली जाएंगी, और अगर कल को आप इसमें नई वीलैन ऐड करते हो तो यस, ये अपने आप उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा. तो यस, हर एक स्विच पे ये वीलैन की कंसिस्टेंसी बना के रखता है, सिर्फ वीलैन की. आप देखिए, पोर्ट ऐड नहीं करेगा ये डायनामिकली, नो, पोर्ट आपको खुद करवाने पड़ेंगे. और इसका रीज़न क्या है, देखो, हो सकता है कि पहले स्विच में 1 से लेकर 6 तक जो पोर्ट थे वो आपने लगा दिए हैं किसमें, मान लो सीसीटीवी के लिए. अब ज़रूरी थोड़े कि दूसरे पोर्ट के भी पहले 6 स्विच ही आप सीसीटीवी पे लगाओगे, नो. हो सकता है इसमें 10 से 15 तक के लगाओ, या 10 से 12 सिर्फ दो ही स्विच के पोर्ट यूज़ करो सिर्फ सीसीटीवी लगाने के लिए. समझ पा रहे हो? तो ये काम क्या रहेगा आपका, स्टैटिक. अच्छा, इट अलाउज फ्रेम्स फ्रॉम मल्टीपल वीलैंस टू यूज़ ए सिंगल इंटरफेस. नो, एक इंटरफेस एक ही वीलैन में रहेगा. इट अलाउज़ वीलैन इन्फॉर्मेशन टू बी ऑटोमेटिकली प्रोपेगेटेड थ्रू द स्विचिंग. तो ये तो हमने किया ही था, इसी के लिए यूज़ करते हैं VTP, ऑटोमेटिक आपका वीलैन का डाटाबेस ट्रांसफ़र कर पाए हम. सो यस, सी एंड ई आपका ये रहेंगे करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. विच पर्पज डज अ नॉर्थ बाउंड API सर्व इन अ कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग. अच्छा, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूँ. कंट्रोलर बेस्ड जो नेटवर्क, एक है ट्रेडिशनल नेटवर्क, एक है कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क. ट्रेडिशनल नेटवर्क्स में क्या रहेगा, जो कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. कैसे, इस जो राउटर में मान लो SPF चल रहा है सभी में, तो इसका डाटा प्लेन भी है और कंट्रोल प्लेन भी इसी के पास है ट्रेडिशनल नेटवर्क में. पर जो आपके कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क है उनमें आपका क्या रहेगा, डेटा प्लेन तो राउटर के पास है, लेकिन जो कंट्रोल मीन्स की राउटर की राउटिंग टेबल में क्या रहे, स्विच की स्विचिंग मैक टेबल में क्या रहे, ये डिसाइड करते हैं आप एक फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, राइट. और वो कौन सा रहेगा डिसाइड करने वाला डिवाइस, दैट वुड बी अ कंट्रोलर. जैसे आप DNA सेंटर और ये सब की बात करते हैं, ACI है अगर आप डाटा सेंटर की बात करते हैं. ओके, तो क्या कहता है कि इसमें API का क्या गेम है. API थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो मैं फिर भी एक बार बता दूं. ये है मान लो आपका कंट्रोलर, ये है इधर आपका नेटवर्क जहाँ पे डिवाइसेस हैं आपके, इनको कॉन्फ़िगर करना है कंट्रोलर के थ्रू. तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं साउथ बाउंड इंटरफेस, जो डाउन साइड. अब जो कंट्रोलर को आप किसी एक एप्लीकेशन ऐप के जरिए जो कॉन्फ़िगर करते हैं, जो इसको डाटा इनपुट देते हैं, तो ये आपका ऐप है, ये रहता है NBI, ठीक है. सो ऑप्शन अगर मैं देखूँ कि कम्युनिकेट बिटवीन द कंट्रोलर एंड द फिजिकल नेटवर्क हार्डवेयर, नो, ये काम तो NBI नहीं, SBI करता है, ठीक है. रिपोर्ट डिवाइस एरर टू अ कंट्रोलर, नहीं, वो भी SBI का. जनरेट स्टैटिस्टिक्स फॉर नेटवर्क हार्डवेयर एंड ट्रैफिक, तो नो, अगेन ये तो फिर हार्डवेयर वाला ही आ गया ना, SBI वाला. फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रोलर एंड द एप्लीकेशंस, तो यस, यही हुआ ना, कंट्रोलर और एप्लीकेशन के बीच में जो जोड़ेगा दैट वुड बी NBI. तो राइट आंसर वुड बी D. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 37. व्हाट आर टू रीजंस अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वुड यूज CDP. देखा, CDP क्या है, सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, लेयर 2 की प्रोटोकॉल है, और आपको लेयर 2 की कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन देती है. जितने भी एक सिस्को के डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर रहेंगे सिस्को के ही, ठीक है. तो देखते हैं फिर इसके रिगार्डिंग. टू वेरीफाई द टाइप ऑफ केबल इंटरकनेक्टिंग टू डिवाइसेस, केबल को तो नहीं बताता आपका CDP, नो. फिर डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ नेटवर्क सर्विसेज ऑन ए रिमोट डिवाइस, नो 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 नो, स्टेटस से लेना देना भाई आप है डाउन है, नो. ऑब्टेन VLAN इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्टली कनेक्टेड, VLAN की इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती इससे. टू वेरीफाई लेयर 2 कनेक्टिविटी बिटवीन 2 डिवाइसेज व्हेन लेयर 3 फेल्स, तो ये बिल्कुल सही है. जब लेयर 3 आपका काम करना छोड़ दे, कोई इश्यू आए लेयर 3 की डिवाइसेज में, तो आपको लेयर 2 की कनेक्टिविटी के बारे में बता देगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये फेल हो ना हो, आपको लेयर 2 के बारे में तो वो वैसे भी बता देगा, राइट. बट यस, आपको देखना है कि क्वेश्चन में आंसर दिए किस तरह से, आपको डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे. फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू ऑब्टेन द IP एड्रेस ऑफ ए कनेक्टेड डिवाइस इन ऑर्डर टू टेलनेट टू द डिवाइस. अच्छा, ऐसा होता है. देखिए, आप सोचिए, हमने क्या बात की थी कि अगर ये डिवाइसेज हैं, ये जुड़े हैं आपके, और इधर कोई राउटर हो, तो आपने अगर IP कॉन्फ़िगर की हुई है और एक कमांड यूज करते हो शो
CDP, नेबर डिटेल्स। सो यस, आप अपने नेबर की आईपी देख सकते हैं, राइट। और CDP इस यही तो है ना उसका मेन, क्या बोलते हैं एक तरह से, ट्रबल शूटिंग में क्या यूज़ है। आप इस डिवाइस को, आपने लेयर 3 का कंट्रोल खो दिया, ठीक है। अब लेकिन आपको इस पे क्या करना है, इसका टेलनेट लेके और कॉन्फ़िगरेशन देनी है, ठीक है। कुछ इश्यू था इसमें और आपको ठीक करना है। आप टेलनेट कब ले पाएंगे, जब उसका आपके पास आईपी एड्रेस रहेगा, यस और नो। अब आईपी एड्रेस यस आप देख सकते हैं CDP से। सो DE हो गया, तो कितने चूज करने थे, 2। डिटरमिन द स्टेटस ऑफ, नहीं, राउटिंग प्रोटोकॉल से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, लेयर 3 हो गया वो तो। सो यस, ये 2 फंक्शन है आपके जो फुलफिल करती है CDP। ओके देन, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफर द एग्जिबिट, आउटपुट देखिए। इफ द राउटर आईडी कमांड क्या है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, अगर राउटर आईडी मैनुअली सेट नहीं की है, राउटर OSPF के अंदर जाके राउटर आईडी की जो कमांड आती है उससे नहीं करी है, और ये कुछ आईपी दी हैं, 2 लूपबैक इंटरफेस, 2 आपके फिजिकल इंटरफेसेस, व्हाट राउटर आईडी विल OSPF यूज फॉर दिस राउटर, ठीक है। तो राउटर के लिए राउटर आईडी कौन सी बनेगी, हमने क्या बोला था कि राउटर आईडी जो है वो 3 पैरामीटर हैं, 3 तरीके से सेलेक्ट हो सकती है। सबसे पहला, अगर सिर्फ फिजिकल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं तो फिजिकल इंटरफेसेस पे जो हाईएस्ट आईपी होगी वो राउटर आईडी बनती है। तो उसके बाद अगर फिजिकल इंटरफेसेस भी हैं और लूपबैक इंटरफेसेस भी हैं, जैसे कि हमारे पास ये केस है, तो ओके, यहाँ से आप देखें लूपबैक 0 पे 55 है और लूपबैक 1 पे आपका क्या है, 5 है। ओके, अभी फिजिकल वालों का तो आप छोड़ ही दो। अब बात आती है लूपबैक की, जो प्रायोरिटी है हमें पता है वो फिजिकल वालों से ज़्यादा है, ठीक है। अब इनमें से एक पे 55 है, एक पे आपका क्या है, 5 है, तो जो हाईएस्ट आईपी आपको मिलेगी लूपबैक वाले में, दैट वुड बी योर राउटर आईडी। तो इनमें से हाईएस्ट कौन सी है, 55 ना, सो यस दिस विल बी द राइट आंसर, 55.1। ओके, और अगर एक और चीज़ होता मैनुअली, नंबर 3 पे क्या है, वो तो खैर इसने बोल दिया कि राउटर आईडी मैनुअली सेट नहीं है, अगर आप करते तो ये चाहे जो मर्जी होता, मैनुअल आपने अगर कर दी ना 1.1.1.1, यहाँ पे ये 55 था बट ये भी अब क्या होगा, डीमोट होगा और 1.1 आपका क्या बनेगा, राउटर आईडी, ठीक है। अगर ये 100 होता ना यहाँ पे आपके फिजिकल इंटरफेस पे और ये 55 था, तब भी 55 वाला राउटर आईडी बनता। ओके, तो ये है आपका जो क्राइटेरिया रहता है राउटर आईडी का सिलेक्शन। और राउटर आईडी यूज़ किस में करते हैं आप, OSPF में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो OSPF की कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ सारी की सारी, वो किसके बेसिस पे रहती है, आपका राउटर आईडी के। जो OSPF का एक राउटर है उसको किस आईडी से पहचाना जाता है OSPF में, आपकी राउटर आईडी से। और इसलिए बोलते हैं कि राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक ऑन ईच OSPF राउटर, हर एक OSPF की राउटर पे राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए। अच्छा, वट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम वैन एन EUI 64 एड्रेस इज जनरेटेड। IPv6 का एक कंसेप्ट है आपका एक्सटेंसिबल यूनिक आइडेंटिफायर, फुल फॉर्म देख लेना एक बार गूगल करके। और है क्या कंसेप्ट बता देता हूँ, जब भी किसी इंटरफेस पे आपको मैनुअल IP नहीं देनी है पूरी की पूरी, प्रीफिक्स का यूज करवा के और उस इंटरफेस का मैक एड्रेस आपको यूज करना है IP पूरा करने के लिए, तो उस केस पे उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, EUI 64, ठीक है। अब उसके लिए क्या कहता है, ये क्या कंडीशन है या फिर क्या इनमें से एक्सपेक्टेड आउटकम होगी, तो देख लेते हैं। मैं पहले इसका थोड़ा सा बता ही दूं आपको। मान लीजिए आपके डिवाइस का मैक एड्रेस है ए ए ए ए बी 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 सी 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 इस तरह से, और इसका यूज करके आपको बनाना है आईपी एड्रेस। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे एक प्राइवेट आईपी देना है FC00ABC:, राइट, और इसको मैंने दिया 64, मींस कि मेरा ये पार्ट नेटवर्क का होगा, और EUI 64 स्लैक इनेबल करवा दिया मैंने, स्टेटलेस ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या करेगा, मान लो आपने ये आईपी देनी है इंटरफेस FA0x0 पे और ये मैक है इस इंटरफेस का, ये क्या करेगा, 64 बिट तो आपने ले ली नेटवर्क की, अब 64 बिट आपको होस्ट के लिए चाहिए, तो वो कहाँ से उठानी है आपको, मैक से। अब मैक तो कितने बिट का है, लेकिन 48 बिट का ना, अभी भी मेरे को और कितने चाहिए, 16, ताकि 48 प्लस 16 कितना हो पाए, 64, एंड 64 प्लस 64 कितना हो पाए, 128, क्योंकि IPv6 हमारा 128 बिट का था। अच्छा, 16 बिट का मतलब देखो 1 2 3 4 8
12 आए, जो आपका मैक है उसमें कितने डिजिट हुए, 12, 12 गुना 4 कितना हुआ, 48, मतलब एक जो आपका डिजिट यहाँ पे लिखा है, जो आपका अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, वो कितने बिट का रहता है, 4 का। तो अगर आपको 16 ऐड करने हैं तो कितने ऐड करने पड़े आपको डिजिट्स या नंबर, 4। तो जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो क्या बोलता है कि आप एक नंबर है, एक तरह से ये अल्फ़ाबेट है एफ 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 ई, ये ऐड करते हैं इसके लिए EUI64 के अंदर। ये कांस्टेंट है, यही यूज होंगे हमेशा। अब कैसे यूज होगा, देखो उसका भी एक स्टैंडर्ड है, आप बीच में ऐड करते हैं, बिल्कुल ये क्या था ए बी सी इस तरह ना, तो 6 इधर रख लो और 6 उधर रख लो और बीच में ये 4 डाल दो, कैसे रहेगा ए डॉट बी और यहाँ पे रहेगा एफ एफ, ठीक है, इन दोनों, इन चारों में से दो उठाए, फिर बचा था एफ ई, ये हमने लिखा, और फिर ये क्या बचा था इधर बी बी एंड सी सी सी। आप देखेंगे ये टोटल 64 बिट हो चुकी हैं। अब इनमें से देखो इधर आप लगेंगे, जब ये आपकी ए है जो 1 2 3 4, हर एक 4 बिट का रहता था ना, ए को 4 बिट से कैसे लिखेंगे हम, ए मीन्स क्या होता है 10, और 10 का अगर आप देखेंगे नंबर क्या रहता है, अगर मैं कन्वर्ट करूँ 10 को बाइनरी में, या फिर आप वैसे भी देखेंगे 8+2 होता है ना, तो 0101 इस तरह से एक नंबर आएगा बाइनरी में। अगर आपको याद हो, मैंने आपको निकालना बताया था सबनेटिंग में, हाउ टू कैलकुलेट सबनेट मास्क, वहाँ पे हम ऐसे लिखते थे 128 64 32 16 8 4 2 1। अभी मेरे को क्या चाहिए, 10 ना, तो 10 किसका कॉम्बिनेशन था 8 और 2, तो यहाँ को 1 रखिए, बाकी सारे क्या कर दो 0। अभी 4 बिट था तो मैं सिर्फ ये 4 ले रहा हूँ, 10 आपका 10, सो ये नंबर आया 1010A और फिर 1010। EUI64 क्या बोलता है कि जो आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपकी बिट है आप इसको करते हैं इन्वर्ट, मीन्स अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो ये बन जाएगा क्या 1 की जगह 0। सो 1000 किसका नंबर रहता है आपका, देखो 1000 8 का ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे चेंज कर दोगे तो ए 8AA। तो इस तरह से कुछ करके आपका फिर ये नया मैक आगे बी बी एफ 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 ई बी बी सी 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 सी, ठीक है। तो IPv6 में मैंने बहुत डिटेल में ये वाला बताया हुआ है EUI64 का, वो वीडियो एक बार देख लेना अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अभी नहीं तो मैंने ऑलमोस्ट सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है नए सिरे से, बिल्कुल है ना। सो यस, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इस मैक को क्लियर करते हैं एक बार, एंड अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे मैं कंसेप्ट नहीं समझा रहा बिल्कुल भी, अगर आपको लग रहा हो, अगर आप नए हैं इस वीडियो में, इस चैनल पे, सो यस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जो बिल्कुल लास्ट टाइम की रिवीजन होती है ना, ये वो है, ठीक। अगर आपको लग रहा हो कि भाई मैं EUI64 के बारे में जस्ट इसी वीडियो से जान लूँगा, तो नो दैट्स नॉट पॉसिबल, वो आपको अलग से सीखना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर द 7th बिट ऑफ ओरिजिनल मैक एड्रेस इज इन्वर्टेड, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा, राइट। तो ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेफर टू द एग्जिबिट, ओके। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, यस, व्हेन रनिंग EIGRP, हर जगह क्या चल रहा है EIGRP का कोड क्या है, डी, ओके। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर राउटर ए, अच्छा ए नहीं है, राउटर 1 होगा, ये मैंने कई जगह गड़बड़ करी हुई है ना, सो यस, राउटर 1 टू एक्सचेंज राउटिंग अपडेट विद राउटर सी, ओके। तो इसको राउटर ए मान लो, इसको राउटर बी मान लो, और इसको राउटर सी, तो क्या रिक्वायर्ड है, अच्छा तो एक बार देख लेते हैं, EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है यहाँ पे जस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो AS नंबर्स मस्ट बी चेंज्ड टू मैच ऑन ऑल द राउटर्स, AS नंबर मस्ट बी चेंज, क्यों भाई क्या दिक्कत है, राउटर EIGRP 10, अच्छा ये होता है AS नंबर ना, जब आप इनिशिएट कराते हो EIGRP को, यहाँ पे ओहो ठीक है, ये नंबर मैंने बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल डिटेल में, कि ये मैच करने चाहिए सारे के सारे राउटर पे, तभी जाके इनके बीच में नेबरशिप बन पाएगी, पर यहाँ तो ब्लंडर और रखा है इन्होंने, इसी में गड़बड़ कर रखी बिल्कुल पहले पैरामीटर में ही, तो कहाँ से नेबरशिप बनेगी, राइट। तो ये नंबर आपको हर जगह या तो 10 करना पड़ेगा या 20 या फिर 30, तो पहला ही आंसर है इसका, तो बिल्कुल ओके चलिए ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बेनिफिट डज कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग प्रोवाइड वर्सेस ट्रेडिशनल नेटवर्किंग. अच्छा ठीक है, अगेन से फिर से हमारे पास एक ऑटोमेशन का क्वेश्चन आया है. तो ए मूव्स फ्रॉम ए टू टीयर टू ए थ्री टीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर टू प्रोवाइड मैक्सिमम रिडंडेंसी. नहीं, हम तो ऑलरेडी थ्री टीयर आर्किटेक्चर यूज़ करते थे, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड आपका एक्सेस लेयर. तो नो, ये तो नहीं हो सकता. प्रोवाइड्स एन एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम डीडोस अटैक. ठीक है, पर वो तो आप वैसे भी कर सकते थे, उसके लिए तो हम स्पेशली नहीं बनाते कभी भी ऑटोमेटेड नेटवर्क्स. नो, वो तो सिक्योरिटी के डिवाइसेस आप अलग से यूज़ करते हैं. अलाउज कॉन्फिग्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेटवर्क फ्रॉम वन सेंट्रलाइज्ड पॉइंट. तो बस ये वर्ड आपको याद रखना है, सेंट्रलाइज्ड. ऑटोमेटेड मीन्स आप एक जगह बैठे बैठे सब कुछ उसी पॉइंट से क्या कर रहे हो, कॉन्फिगर एंड मैनेज कर रहे हो. सो यस, इट मेक सेंस. कंबाइंस डाटा एंड कंट्रोल प्लेन फंक्शनैलिटी. नो, कंबाइन नहीं करता ये तो, बल्कि क्या करता है, सेपरेट करता है. डाटा प्लेन आपका रहेगा नेटवर्क डिवाइसेस में, हार्डवेयर के अंदर, और आपका जो कंट्रोल प्लेन है वो शिफ्ट हो जाता है आपका कंट्रोलर में, सॉफ्टवेयर पार्ट के अंदर. ओके, सो सी इज द राइट आंसर. ए नेटवर्क इंजीनियर मस्ट क्रिएट ए डायग्राम ऑफ मल्टी वेंडर नेटवर्क. अच्छा, मल्टी वेंडर मीन्स जहाँ पे सिस्को भी, जूनिपर, हुआवे, सारे ही आपके डिवाइसेस लगे हों. विच कमांड मस्ट बी कन्फिगर्ड ऑन द सिस्को डिवाइस सो दैट द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क कैन बी मैप्ड. अच्छा, सारी टोपोलॉजी अगर आपकी सिंक हो सके, मैप हो सके, कौन सी आपको, अच्छा किसकी बात कर रहा है ये वैसे. ओके, लेयर टू, LLDP, CDP. सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, इनमें से आपका देखिए ओपन सोर्स कौन सा है और प्रोप्राइटरी कौन सा है, राइट. तो CDP प्रोप्राइटरी है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यहाँ पे तो कुछ मेंशन ही नहीं है. तो यस, LLDP ओपन सोर्स है. तो सिंपल सा इसका तो क्या रहेगा, आपका ए आंसर होगा. ओके देन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर टू डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्री टीयर नेटवर्क टोपोलॉजी. ओके, थ्री टीयर कौन सा था, जिसमें आप एक कोर लेयर यूज़ करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर यूज़ करते हैं, और फिर आप एक एक्सेस लेयर यूज़ करते हैं. एक्सेस लेयर पे लगते हैं एंड डिवाइसेस सारे के सारे, और एक्सेस डिवाइसेस जुड़ते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइसेस पे. यहाँ पे चलती है सारी आपकी राउटिंग पॉलिसीज, जो आपकी ACL सब कुछ. फिर आप लगाते हैं कंट्रोल लेयर, जिसका काम क्या है, हाई स्पीड स्विचिंग सिर्फ, और आपकी इंटरकनेक्टिविटी, जो क्या बोलते हैं उसको, रिडंडेंसी, है ना. ओके, तो कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर परफॉर्म द सेम फंक्शन. ना भाई, कोर और डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम फंक्शन कर रहे होते तो हम अलग अलग क्यों बनाते फिर, है ना. और कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम होते तो फिर तो हम आपका जो कोलैप्स्ड कोर है सिर्फ वही क्यों ना रखते. मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर रखते सिर्फ, और कोर लेयर, सॉरी एक्सेस लेयर रखते. कोर लेयर की जरूरत ही क्या थी. एक्सेस लेयर मैनेजेज राउटिंग बिटवीन डिवाइसेज. नो, एक्सेस लेयर मैनेज नहीं करती, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर मैनेज करती है राउटिंग. नेटवर्क कोर इज डिजाइन टू मेंटेन कंटिन्यूस कनेक्टिविटी व्हेन डिवाइसेज फेल. तो राइट, अभी मैंने बोला यहाँ से रिडंडेंसी मिलती है आपको. मल्टीपल जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज हैं आपके, मल्टीपल लिंक्स के थ्रू कोर स्विचेज से जुड़े रहते हैं. सो यस, दिस इज द वैलिड आंसर. कोर लेयर मेंटेन्स वायर्ड कनेक्शन फॉर ईच होस्ट. नहीं भाई, कोर लेयर से डायरेक्ट कभी होस्ट जुड़ते ही नहीं है, वो जुड़ेंगे आपके एक्सेस जो लेयर है, एक्सेस डिवाइसेज से. सो यस, इट इज़ नॉट द आंसर. द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर रन्स लेयर टू एंड लेयर थ्री टेक्नोलॉजीज. यस, इट कैन बी द आंसर. तो यस, एक ये आपका है और एक ये है, तो सी एंड ई आपका रहेगा वैलिड आंसर. चलिए ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है हमसे. एंड द क्वेश्चन इज विच फंक्शंस डज एन SNMP एजेंट परफॉर्म. SNMP एजेंट आपका क्या है, जिसके थ्रू SNMP के सारे आपके काम होने हैं. SNMP एजेंट जो नेटवर्क डिवाइसेस की सारी इन्फॉर्मेशन ला के SNMP सर्वर को देता है, राइट, NMS को, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को जो देता है. तो यस, ये क्या काम करवा रहा है आपका, देखते हैं वन बाय वन ऑप्शंस. इट सेंड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट MIB. MIB क्या है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस. ओके, वेरिएबल्स इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द NMS. तो बहुत सही है, यही तो करता है. अभी मैंने डिस्कस किया, जो NMS की जो रिक्वेस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग डिवाइसेस की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उनको लेके किसके पास भेजता है, NMS के पास भेज रहा है. ओके, तो एक ही आंसर चूज करना है तो यही होगा मेरे ख्याल से, फिर भी देख लें. कोऑर्डिनेट यूजर ऑथेंटिकेशन बिटवीन. नो नो नो, वो तो इसका आपका क्या बोलते हैं, AAA सर्वर का काम है, जो टकाक्स या फिर रेडियस जो सर्वर है.
इट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट नेटवर्क नोड अबाउट कैटास्ट्रोफिक सिस्टम इवेंट्स. नो नो नो, डिजास्टर रिकवरी एंड ऑल दैट, नो इट्स नॉट इट्स पार्ट, ये इसका नहीं पार्ट है. इट मैनेजेज राउटिंग बिटवीन लेयर थ्री डिवाइसेज, नहीं ये भी नहीं है. तो यस, ए इज द प्रोमिसिंग आंसर. ओके राइट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, रेफर टू द एग्जिबिट. ओके तो इसको देखिए जरा, कह रहा है और उसके बेस पे एक नेटवर्क टेक्नीशियन को बोला गया है एक स्मॉल नेटवर्क डिजाइन करना है जिसमें रिडंडेंसी भी हो, मीन्स बैकअप भी हो. ओके एग्जिबिट रिप्रेजेंट करती है डिजाइन, ओके विद ऑल होस्ट कॉन्फिगर्ड इन द सेम वीलन. अच्छा ये सारे जो होस्ट हैं लास्ट में ये सब सेम वीलन में है, वीलन 10, वीलन 10, लाइक एनी वीलन, इट कैन बी एनी वीलन. ओके पूछ क्या रहा है, मैं देख लूँ. और कई बार क्या होता है ना, बड़े ही मजे की बात ये है इंटरेस्टिंग सी, कि आपको यहाँ इतना कॉम्प्लिकेट और वो सब करके दिया होगा और हो सकता है आंसर बिल्कुल सिंपल सा पूछ रखा उसने. ठीक है तो जल्दी से एक बार फटाफट पढ़िए इसको पूरे को और आंसर पे आइए, उससे ना टाइम बचता आपका बहुत सारा. ऐसा नहीं है कि इसी में दिमाग लगाने लग जाए हम सारा का सारा, नहीं, हो सकता है कि कुछ सिली सा तो बोलते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुई है कुछ ऐसा. तो यस एक बार जल्दी से देख लेने में ही भलाई है हमारी. ओके तो क्या पूछना क्या चाह रहा है मेरे से, अगेन लेट मी सी द क्वेश्चन. व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी मेड अबाउट दिस डिज़ाइन. ओके क्या कंक्लूजन आप लगा सकते हो इस डिवाइस से, डिज़ाइन विल फंक्शन एज इंटेंडेड. तो देखना पड़ेगा फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा. यहाँ पे 172.19.0.1 है या, ओहो अब देखिए ज़रा, ये नेटवर्क आईडी सेम है कि डिफरेंट है. ये /24 यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 172.19.0 ये आपका है नेटवर्क का पार्ट, दिस वन, दिस इज़ द नेटवर्क आईडी इसके लिए. और इसके लिए भी आप देखेंगे /24 में 172.19.0.0 ये भी नेटवर्क आईडी हुआ. तो आप देखो राउटर पे दो इंटरफेसेस पे सेम नेटवर्क आईडी हो सकती है क्या, नहीं राइट. तो ये नहीं करेगा काम. तो विल फंक्शन, अच्छा हाँ विल, अगर विल नॉट होता तो यही आंसर होता, बट इसने क्या लिख दिया, विल फंक्शन. तो नहीं ये फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर. तो देखते हैं इसके मिला जुला कोई आंसर. स्पैनिंग ट्री विल नॉट बी यूज्ड, विल नीड टू बी यूज्ड, ठीक है स्पैनिंग का तो कोई गेम ही नहीं है. और हो सकता है, चलो देख लेते हैं एक बार इसको भी, राउटर विल नॉट एक्सेप्ट द, बस दे दिया आंसर इन्होंने, राउटर इस एड्रेसिंग स्कीम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. ओके सो दिस इज द आंसर. चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम. सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो क्वेश्चन नंबर 46, R1 has learned this route via numerous routing protocols. ठीक है, numerous means कई सारी routing protocols इसने ये जो route है learn कर लिया है. अच्छा अब ये कह रहा है कि कौन सा route install किया जाएगा in routing table. तो कौन सी routing protocol है. अच्छा मान लो कोई भी हो, इसने generic नहीं पूछा, इसने क्या दे दिया, हाँ generic पूछ लिया, sorry. Route with the lowest cost. No, ये तो एक ही routing protocol के केस में होता. रूट विद नेक्स्ट होप दैट हैज द हाईएस्ट आईपी नो. तो बस हमेशा सिंपल सा याद रखो यार, जब भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स ज़्यादा होना एक दूसरे से, मतलब एक से ज़्यादा, उसके केस में आप दोनों के बीच में कंपैरेटिवली यूज करते हो एक पैरामीटर विच इज़ AD, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. जिस भी राउटिंग प्रोटोकॉल की जो AD वैल्यू है वो कम रहेगी उसी का रूट इंस्टॉल होगा. मैंने पहले भी शायद हमारा कोई क्वेश्चन आया था इस वीडियो में, है ना. सो राउट विद द शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स, रूट विद द लोएस्ट. सो यस दिस इज द आंसर डी, सिंपल. तो आपको थोड़ा फिल्टर करना भी आना चाहिए, इतना सारा प्रैक्टिस जब हम कर लेंगे. तो जैसे देखो मुझे अभी एकदम से याद आ गया कि मल्टीपल जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स होंगी इसका मतलब आपको मिनिमम AD देखना है. चलिए व्हाट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर. ओके थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूँ, स्पाइन एंड लीफ कैसे चलता है. ये आपके लीफ स्विचेज होते हैं और ये ना आपका टोटली क्या है, लेयर थ्री का काम होता है डाटा सेंटर के लिए. लेयर टू में आप यूज़ ही नहीं करते. तो यस इस पे लगे रहते हैं आपके एंड डिवाइसेस. और ये आपके एंड डिवाइसेस क्या हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, एज राउटर आपके क्या बोलते हैं फिजिकल, या फिजिकल सर्वर या फिर वर्चुअल मशीन्स भी हो सकती है ना, इस तरह से एंड डिवाइसेस रहेंगे. तो सारे जो एंड डिवाइस हैं वो कहाँ पे जुड़ेंगे, आपके लीफ स्विचेस के साथ. ओके अब ये जो लीफ स्विचेस हैं ये जुड़ते हैं आपके स्पाइन स्विचेस से ऐसे. और इनके अंदर क्या एक खासियत क्या है, ये हमेशा ना हर एक लीफ स्विच है वो हर एक स्पाइन स्विच से जुड़ा रहेगा. ये भी दोनों से जुड़ा है, ये भी
और ये भी, अगर एक और होता स्पाइन पे तो ये इससे भी जुड़ता, ये इससे भी जुड़ता और ये इससे भी जुड़ता, और हर एक स्पाइन जो है हर एक लीफ से जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है। और एक और ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ये लीफ टू लीफ कभी नहीं जुड़ेंगे, स्पाइन टू स्पाइन कभी नहीं जुड़ेंगे, राइट। तो अगर इसको यहाँ जुड़ना है इस वाले पे, तो ये कैसा थ्री होप एक तरह से बोलते हैं वो आर्किटेक्चर फॉलो करता है, ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता इस तक, नो नॉट दिस, दिस वन अगर मैं इसको चूज करूँ तो ये ऐसे चलेगा, पहले होस्ट जाएगा आपके लीफ के पास, लीफ जाएगा आपके स्पाइन के पास, फिर स्पाइन वापस लीफ के पास और फिर वापस आपके होस्ट के पास, ऐसे आता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ईच डिवाइस इज सेपरेटेड बाय द सेम नंबर ऑफ होप, तो बात तो सही लग रही है ना, होप क्या वन टू थ्री, इसको देखोगे ये भी वन टू थ्री, सो यस दिस लुक्स लाइक अ वैलिड आंसर। बाकी दूसरे देख लेते हैं, इट प्रोवाइड वेरिएबल लेटेंसी, नो, डेटा सेंटर में लेटेंसी कम ज़्यादा हो ही नहीं सकती, डेटा सेंटर में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब आपकी कोशिश रहती है कि आप सिमिलर बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड लेटेंसी रहे, आपको ऐसा नहीं है कि जिटर्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें। वेरिएबल लेटेंसी का मतलब होता है कि कहीं पे डिले आपका रहा 0.5 ms मिलीसेकंड और फिर कहीं पे आपका 0.10 ms, नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन डेटा सेंटर नेटवर्क्स। इसी के लिए तो हमने एक अलग से ही डिज़ाइन बनाया स्पाइनल लीफ आर्किटेक्चर। इट प्रोवाइड ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑन STP ब्लॉक्ड, नो, STP तो यूज होता ही नहीं है ना, लेयर 3 है सारा का सारा, STP किस में चलता है, लेयर 2 में। ईच लिंक बिटवीन लीफ स्विचेज अलाउ फॉर हायर, लीफ स्विचेज के बीच में लिंक तो होते ही नहीं है कभी भी, लीफ डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं है, राइट ओके। तो यस इसका आंसर ए ही है जो यहाँ पे दिया है, ठीक सा। 48 क्या है आपका, Which action must be taken to assign a global unicast IPv6 address on an interface that is derived from the MAC address of that interface? अच्छा, इंटरफेस का MAC यूज़ करके आपको IPv6 पूरा करना है। अभी हमने EUI 64 का एक एग्जाम्पल जो लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप कौन सा फीचर यूज़ करते हो, स्लैक, स्टेटलेस ऑटो एड्रेस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, स्टेटलेस ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो इसमें यही है, आप सिंपल याद रखिए, जब भी आपको अपने इंटरफेस का मैक यूज करके आईपी पूरी करनी होगी आप कौन सा फीचर यूज करेंगे, हमेशा स्लैक का, ओके। और आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो आप पैकेट ट्रेसर पे जाइए एक बार, और जैसे ही आप जाएंगे पीसी पे IPv6 में जाएंगे, डेस्कटॉप आईपी, यहाँ पे देखिए ये ऑटो कॉन्फिग का मतलब क्या है, स्लैक का फीचर यूज़ करना, ओके। सो यस दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो ही बचा है अभी तो, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49, रेफर टू द एग्जिबिट, ओके देखिए ज़रा, और सम ऑफ द यूज़र इन योर ऑफिस आर कंप्लेनिंग दैट दे कैनॉट कनेक्ट टू द सर्वर एट अ रिमोट साइट, ठीक है। यहाँ पे ये सर्वर्स हैं, ये रिमोट साइट है आपकी, वहाँ पे मेरे को सर्कल करना चाहिए था ऐसे पैकेट ट्रेसर में ना, तो चलो सॉरी फॉर दैट, अभी कर लेते हैं। ये आपकी लोकल साइट है, ये आपकी रिमोट साइट है, ओके। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या है इशू आ रहा है इन सर्वर को एक्सेस करने में, कर नहीं पा रहे हैं, वाइल अदर्स आर फेसिंग नो प्रॉब्लम, और जबकि बाकियों को कोई दिक्कत नहीं आ रही, ओके। व्हेन ट्रबल शूटिंग, जब आप ट्रबल शूट कर रहे हैं तो आप पाते हैं कि आप सर्वर कॉन्फिगर सॉरी सक्सेसफुली रीच सर्वर तक सक्सेसफुली पहुँच पा रहे हैं फ्रॉम राउटर थ्री से आप सर्वर तक पहुंच पा रहे हैं, अच्छा इसका मतलब कनेक्टिविटी का तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जब आपकी रीचेबिलिटी है इसका मतलब कि दिक्कत यहाँ पे कहीं है, ओके। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीजन दैट द अदर यूज़र आर एक्सपीरियंसिंग कनेक्शन फेलियर, कि कुछ यूज़र कैसे फेल कर रहे हैं आपके कनेक्शन, ओके। आप देखिए ज़रा एक इंडिविजुअल लेवल पर जाइए, इस पे और इस पे, इस पे आईपी क्या है एक बार ज़रा मैं अगर देखूं, हटाते हैं एक बार इसको, तब तक आप देखिए ज़रा आईपी अपने खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, यस 100.112.119.130/25, ओके हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 128 से
255 तक जा सकता है ये नेटवर्क, और इसमें आईपी यूज़ हो रही है 130, तो ये वैलिड आईपी है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसमें आपका क्या है, .13/25। ओके, तो ये सेकंड सबनेट था, ये पहला सबनेट होगा .0 से .127 का आईपी .13। तो यस, ये भी वैलिड आईपी है। अच्छा, अब गड़बड़ कहाँ हो सकती है, तो जब दूसरे नेटवर्क में जाता है ये तो क्या यूज़ करता है, ओके ठीक है, गेटवे यूज़ करता है। अब राउटर पे क्या आईपी कॉन्फ़िगर है, .1 ना, मीन्स इस नेटवर्क की आईपी है। तो इसका मतलब ये आपका नेटवर्क और ये नेटवर्क दोनों अलग हैं, VLSM में गड़बड़ है आपकी, राइट। तो यस, ये नहीं जा पाएगा क्योंकि गेटवे जो नेटवर्क और होस्ट का जो नेटवर्क है बोथ आर डिफरेंट। ये जा पाएगा क्योंकि ये आपके गेटवे से मैच करता है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, प्रॉब्लम हमें मिल गई है तो आंसर के अकॉर्डिंग मैच करते हैं कि आंसर किन वर्ड्स में दिया हुआ है। ओके, इंटरफेस पोर्ट्स आर शट डाउन 9, DHCP एड्रेस पूल है 9, IP हेल्पर एड्रेस कमांड 9, VLSM इज़ मिसकन्फिगर्ड बिटवीन द राउटर। ओके, आईपी का हमें बस अगर अंदाज़ा लग गया ना कि क्या इशू है, तो उस तरह का बस आंसर ढूंढने की कोशिश करो आप। अगेन, दिस इज़ वन मोर ट्रिक कि आपको जो टाइम बचा सकती है आपका। ठीक है, तो यस, इट इज़ द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, व्हाट विल हैपन इफ़ यू कॉन्फ़िगर द लॉगिंग ट्रैप डीबग कमांड ऑन ए राउटर। तो लॉगिंग ट्रैप, अगर याद हो हमने सिसलॉग वाला जो वीडियो थी एक आईपी सर्विसेज के अंदर, उसमें देखा था सिस्टम लॉग मैसेजेस जनरेट कर सकते हैं आप, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और वो सारे मैसेजेस जो हैं जाएँ आपके एक सेंट्रल लोकेशन पे, सेंट्रल सर्वर पे, और वो कौन सा होता है आपका, सिसलॉग सर्वर। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि उस पे लॉगिंग ट्रैप कमांड में आपने डीबग लिख दिया। लॉगिंग ट्रैप क्या होता है कि कितने तरह के मैसेज सिसलॉग सर्वर में ना आता है, सीवियरिटी लेवल, मैं थोड़ा सा बता दूं, सीवियरिटी लेवल इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या चाहते हैं कि भाई जो राउटर है आपका उसमें जैसे 8 तरह के मैसेज जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और शायद इनको याद रखने का एक था आपका एवरी ऑसम सिस्को नेटवर्क इंजीनियर नीड कॉफ़ी, कुछ ऐसा था आपका ना, डेली देख लेते हैं एक बार। E4 था एमरजेंसी, और A4 आपका क्या रहेगा, अलर्ट है शायद। ठीक है, तो एक बार गूगल करके देखते हैं ना, जस्ट ए सेकेंड। यस, ये देखिए ज़रा मैंने क्या गूगल किया, टाइप्स ऑफ सिसलॉग मैसेजेस, तो एक ये इमेज आई है हमारे पास, तो यही मुझे दिखाना था, नहीं भी याद रहे अगर तो वो ट्रिक एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। EACEWNID, ओके, तो इनसे क्या बनता था, एवरी ऑसम सिस्को इंजीनियर विल नीड आइसक्रीम डेली। आप ये लिख के रख लीजिए, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है याद करे तो भूल गया था मैं भी। सो यस, जीरो से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो टोटल कितने टाइप के मैसेज हुए, 8 तरह के, और जीरो दिखाता है हाईएस्ट सीवियरिटी। सीवियरिटी का मतलब कि जो बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस होती हैं राउटर के लिए, है ना, जैसे कि आपका राउटर बंद हो गया, शट डाउन, तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का मैसेज है और वो इमरजेंसी का मैसेज होगा एक तरह से। फिर अलर्ट के हैं, फिर आपके क्रिटिकल मैसेजेस हैं, एरर्स मैसेजेस हैं, वार्निंग हैं, है ना, जैसे आप वो करते हैं OSPF का प्रोसेस रिस्टार्ट करते हैं, है ना, और फिर आपके पास जैसे आप राइट इरेज करते हैं तो NVRAM डिलीट हो रही है, तो वो जो मैसेजेज आते हैं सारे के सारे इन्हीं में से किसी एक टाइप के अंदर आते हैं। नोटिफिकेशन फिर आपका मैसेज है, आप जो इन्फॉर्मेशन के मैसेजेस हैं जब भी आप कुछ करते हैं ना, जैसे आपने थर्ड मोड में से एग्जिट करके लिखा, सेकंड में आ गए, सेकंड में से एग्जिट किया, फर्स्ट मोड में आ गए, तो एक मैसेज मिलता है। ऐसे कैसे पहचानते हैं हम, ये परसेंट के सिंबल से। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपको, अगर आप नहीं याद है तो राउटर में जाएंगे जैसे ही आप, और यहाँ पर देखिए इनेबल और एग्जिट लिखते हैं, तो अच्छा इसमें नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, कॉन्फ, फिर एग्जिट करते हैं आप। सो ये देखिए आ रहा ना, परसेंट सिस 5, ये पांचवें टाइप का, मतलब पांच पे आप देखेंगे अगर कौन सा टाइप हुआ आपका, ये नोटिफिकेशन का मैसेज था। तो ये जो आपका नीचे की तरफ जाते रहेंगे ये सीवियरिटी लेवल कम होता जाएगा, इसका मतलब जो 7 वाले हैं ये सबसे कम इंपॉर्टेंट मैसेज हैं आपके लिए,
अगर ये आप नहीं भी चाहेंगे राउटर के कि स्टोर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम से कम आप यहाँ तक के ज़रूर सेव करा के चलिए। तो अब वो क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि अगर आप डीबग लिख देते हैं उस कमांड में तो क्या होगा कि जो आपके लोवेस्ट सीवियरिटी कम सबसे कम इम्पोर्टेंट वाले मैसेजेस हैं वो भी जनरेट होने लगेंगे, सिसलॉग सर्वर पे सेव होने लगेंगे। तो यही तो हुआ था हमारा। तो यस, इट कॉजेज द राउटर टू सेंड मैसेजेस विद लोअर सीवियरिटी लेवल्स टू द सर्वर। तो बाकी आप देख लेना, इनमें से मैं टाइम बचाने के लिए भी डिस्कस कर नहीं रहा, चलो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट मिले। इट कॉजेज द राउटर टू सेंड ऑल मैसेजेस विद द सिवियरिटी लेवल्स वार्निंग एरर क्रिटिकल एंड इमरजेंसी। नो, ये तो सिर्फ कितने हुए, चार ही हुए ना, तो इसमें तो सारे आठ के आठ तरह के जाते हैं, तो नो नहीं होगा। कॉजेज द राउटर टू सेंड ऑल मैसेजेस टू द सिसलॉग, अच्छा ये भी हो सकता है भाई। अच्छा देखो, अब थोड़ा सा वही जो क्वेश्चन था कि जो सिस्को सुनना चाहता है, ऑल मैसेजेस लिखें या फिर लोअर सीवियरिटी लेवल्स वाले, क्योंकि आपको पता है सिसलॉग जो काम करता है वो सीवियरिटी लेवल पे करता है। ऑल मैसेजेस तो क्या होगा आपका, जो आपके काम के नहीं भी हैं या फिर जो राउटर पे सिसलॉग के मैसेज ही नहीं हैं, राइट, वो भी चले जाएं। नो, आप वो नहीं चाहते सारे के सारे, आप सिर्फ क्या चाहते हैं, सीवियरिटी लेवल्स वाले मैसेजेज आएँ। तो यस, इसके ऊपर आपकी प्रेफरेंस इस आंसर लग तो ठीक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये ना होता तो शायद हम इसको चूज भी करते, बट ये हमारे पास एक ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर है, तो यस इट शुड बी द आंसर। ओके, फिर आपका इट कॉजेज द राउटर टू स्टॉप सेंडिंग, नहीं नहीं नहीं, स्टॉप तो करता ही नहीं है, है ना। स्टॉप तो अगर आप जीरो करेंगे तब भी एक तरह का मैसेज तो आपका जाएगा ही जाएगा, जो आपका मोस्ट इमरजेंट मैसेजेज है, राइट। सो यस, आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू गाइज, एंड कुछ सीखने को मिला होगा आपको आप इस वीडियो में ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अगले हमारे 25 क्वेश्चंस की। एंड यस, तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।